back to our channel. This is Akanksha Anoop Vlogs. और आज का vlog होने वाला है बहुत special, क्योंकि आपकी अपनी क्रशा जो है आज पूरे पूरे जो है Closet. Good girl, very good. अच्छा एक बार रह गई, ऐसे चोटी बनाओ लाते. Why? बैठा है कौन? बैठा है यहाँ इंद्राया मत करो. कौन बैठा है यहाँ? कौन बैठा है भैया यहाँ? कौन बैठा है? माँ यहाँ बैठी है. बाहर कहाँ है माँ? बुला रही है, तू बुला रही है. मेरा बेटा किसका बच्चा है? इतना पढ़ा तो किसी का बच्चा नहीं मारेगा. No. बेटा ऐसे बहुत से सामान बाहर पड़े हैं. क्यों करी? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे. आप मैं चुचू क्यों क्यों वहाँ पे क्यों करी? जाओ साफ करके आओ, जाओ पोछा लेके आओ, जाओ साफ करो. क्लीन इट. कहाँ की है कृष्णा? अब चुचू से बात करती है ये. बताओ चीची कहाँ करी बताओ? एक तो हमारे फ्लोर पे दिखती भी नहीं है कहाँ पे. उससे ना बच बच के जा रही है, ऐसे पूरा गोल घूम के चली गई चीची बसाने जा रही है. देखो लेकर आई है उसको. कहाँ की है? कहाँ? उसको दे दो रख देगी, उसको दे दो, उसको दे दो रख देगी. दरवाजा खोल दो. खुशबू आ रही है. तो गाइस ऐसा है, पापा के आने के बाद किसी को भी रसोई में घुसने की इजाज़त नहीं होती, बस सेक्रेटरी होती हैं जो चम्मच वम्मच ऐसे रख देती हैं. आज पापा मेरे फेवरेट चीज़ बना रहे हैं. आप लोग सुनोगे तो कहोगे ये फेवरेट है, बट हाँ मेरे फेवरेट चीज़ है टिंडे. और पापा के हाथ के टिंडे मुझे और भी अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर भी वो टिंडे बनने जा रहे हैं, क्योंकि मसाले वाले टिंडे बनेंगे. सेक्रेटरी साहब सफाई कर रहे हैं. पंडित जी से एक बार बात तो कर लो. हाँ जी, तो इम्पॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि हमारा घर जो है पूरी तरीके से सेट हो चुका है. और हम लोग जो है सबसे पहला जो काम करेंगे, क्योंकि सारा सामान जो है जो नया नया आया है, तो कह लो कि उनको एनर्जाइज करना, चीज़ों को अपने घर में बैलेंस करना पॉजिटिविटी के लिए, हम लोग एक पूजा करवाएंगे. क्योंकि हमेशा हम लोग जब रेंटल भी रहते थे तो हम हर महीने एक बार तो पूजा करवाते थे सत्यनारायण जी की और नवग्रह की, मतलब नौ ग्रह की, हमारे जितने ग्रह होते हैं उनको शांत और खुश रहने की पूजा. तो सबसे पहले वो पूजा हमारे घर में हो रही है, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं. तो अभी लिस्ट में बनाती हूँ फटाफट से पूजा की क्या है. और मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ, और जब मेरे को साड़ी पहनना होता है तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कौन सी पहनूँ, उसका ब्लाउज़ स्टिच होगा नहीं होगा, मतलब
बहुत रेयर पहनती हूँ साड़ी ना। क्या पहनेगा कृषा? कृषा पूजा में क्या पहनेगा मेरे बेटू? क्या हो गया? आप बनाओगे लिस्ट? लिखो, चलो पूजा सामग्री की लिस्ट बनाओ। लिखो यहाँ, लिखो फ्रूट्स, लिखो फ्रूट्स। अरे मैंने उन्हें बोल दिया है अंकु। बेटा इतने सारे नहीं चाहिए, कमी फ्रूट्स चाहिए। लिस्ट पर नारियल, माला, फूलों की माला, बस दो, बस पांच चाहिए। मिठाई, मिठाई यहाँ, अगरबत्ती, पान का पत्ता, सॉरी आम का पत्ता, नॉट पान का पत्ता, पान के पत्ते भी चाहिए होते हैं। पान के पत्ते, सुपारी। आराम आराम से लिखेगी ना कि जल्दी मत बोलो। सुपारी, हमारी लिस्ट जो है तैयार हो चुकी है। एक सेकंड, हमारी पूजा की लिस्ट तैयार हो चुकी है। सो ये है हमारी पूजा की लिस्ट। आप प्लीज, नो 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 नो, आप जाके लेके आइए इसको, और कुछ नहीं चाहिए। देखो 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 देखो, अपने ऊपर ही लिख लिया। मम्मा बनाएगी लिस्ट, बन गई है लिस्ट, मम्मा बनाएगी। अब इस लिस्ट में पूजा कराओगे आप? कहाँ लिखा है इसमें पान का पत्ता? कहाँ लिखा है इसमें से बताओ, कहाँ है पान का पत्ता? कहाँ है पान का पत्ता? कहाँ लिखा? टाइम पूछ लो उनसे, और क्या क्या सामान है वो सब पूछ लो। मेरे वैसे एक बार बात हो चुकी है। हाँ तो टाइम तो 9 बजे कंफर्म है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सपोर्ट और प्यार के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। आपने इतना सारा प्यार दिया, हमने सारा ऑलमोस्ट सारा काम करवा लिया है, और अब एक शुभ मुहूर्त में सारी चीज़ों का एक एनर्जाइज करना चाहते हैं, पूजा करवाना चाहते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे पंडित जी आने वाले हैं बुधवार को, और पूजा होगी, आप भी हमारे साथ रहेंगे, आपको सब दिखाया जाएगा। और अभी जो है सबसे पहले हम पूजा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमने इसे बेड से लेके सब कुछ हमने नया बनवाया है। तो जब नया सामान कुछ भी रखते हैं, पहले तो हवन हो चुका है जब हमने गृह प्रवेश किया था। हाँ। लेकिन जब सारा नया सामान रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं एनर्जाइज कराना होता है। तो हम उसको एनर्जाइज कराने के लिए, और इस घर में जो है, हम हर महीने, वैसे भी जब हम रेंटल रहते थे ना, तब हम हर महीने सत्यनारायण जी की पूजा करवाते थे, नौग्रह की पूजा कराते थे। तो वैसे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी शांति के लिए, शांति और मेरे ख्याल से महीने में एक बार जरूर पूजा करवा लेनी चाहिए अपने घर को, एनर्जाइज करने के लिए, तो वो पॉजिटिविटी बनी रहती है कोने कोने में। तो इसलिए परसों हमारे घर में पूजा है, हम क्या पहनेंगे अभी हम फटाफट से बेड खोल के देखते हैं। बहुत प्यारी प्यारी साड़ी है जो मैंने शायद मेरे शादी के टाइम से पड़ी हुई है। मैं तो नया ले लूँ ना, मेरा पुराना हो चुका है। बहुत सारे कुर्ते पजामे पड़े हैं आपके, 4 से 5 मैं पुराना पहनूंगा, लड़कों का पता नहीं चलता। सब सेम होता है, तुमने वैसे ही दिखा रहा है अभी। वैसे तुम्हारे बाल आए नहीं है, तो फिर आ गए हैं, इसके बाल आने शुरू हो गए। आपके 3-4 महीने में आ जाएंगे वापस से, फिर आप हीरो बनना। अभी आप छोड़ दो, अभी पैसे वेस्ट मत करो, अभी आपके बाल नहीं है, जब बाल आए तब पैसे वेस्ट करना अपने लुक्स पे। क्या कहती है पलक भाई? बोलेंगे पहले करेंगे पूजा फिर काम दूजा, और बस व्लॉग में बने रहे। इतना सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है, प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। और मेरी फैमिली में हमेशा कहती हूँ ऐसी रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं अभी, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा ब्लॉग्स।